जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से, और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले। मुझे दरअसल कार्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स जी। कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद से वापस फिर ट्रेनिंग शुरू करूँगी। बहुत बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। जी मैं उसको लेकर सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अब मैं घर लेकर आई हूँ तो दो मेडल और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे और मेहनत करने का। जी क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, सेकंड आने वाला था, क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी दिमाग में? उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का, और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं, तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूं। जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से, और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या रेस्ट पे जाएगी मनु या थोड़ा दोबारा जो चालू करेंगे? जी कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद से वापस फिर ट्रेनिंग शुरू करूँगी। जी मनु एक बार मम्मी ने कहा था कि आप बीवीटी पे रुकती थी, जब भी जाती थी बीवीटी पे कार देखती थी, कार मम्मी ने रही थी, कौन सी कार है तब जानना चाहिए। मुझे दरअसल कार्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स। सुपर कार्स हालांकि इंडिया में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, और बट मुझे बहुत सारी कार्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी एक ऐसी लिस्ट है, बट आई थिंक उनमें से पोर्शे है जो मुझे बेहद पसंद है, और मतलब हर सेगमेंट में कुछ हैं, BMWs की कुछ कार्स हैं, मर्सिडीज़ के कुछ कार्स हैं, और रेंज रोवर के कुछ कार्स हैं, तो आई थिंक हर ऑडी के हैं, तो आई थिंक हर एक सेगमेंट में कुछ कार्स तो ऐसे होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, पहली प्लेयर बनी जीतने जीते हैं, तो इसको कंट्रोल कैसे किया, चीज़ को नहीं अभी ज़्यादा खुशी चल रही है? तो मेरा सोशल मीडिया काफ़ी लंबे समय से बंद था, लगभग डेढ़ दो महीने से तो मैंने कुछ भी देखा ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल है ओलंपिक्स को लेकर, तो मेरे ख्याल से एक वो फैक्टर था जिसने काफ़ी मुझे हेल्प किया और काफ़ी मैं फोकस रह पाई, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ था कि मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस रही थी, और मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में मैं बस उसी को फॉलो करूँ और बस अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दूँ।